दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरी आज रात की सब्ज़ी है। मेरे पास चना था और आलू। बच्चों ने पराठे की डिमांड की तो मैंने दोस्ती वाला पराठा बना दिया। ये डबल पराठे बनते हैं एक साथ में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, क्योंकि इतनी गर्मी है यार, बिल्कुल यहाँ खड़े नहीं हुआ जा रहा है। लग रहा है बस फटाफट किसी तरह से रोटियाँ सेको और भागो यहाँ से। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। मेरा और हस्बैंड का तो रोटी बना था बच्चों के लिए, मैंने उनके डिमांड पे पराठे थे तो मैंने दोस्ती वाले बना दिए। अर्श बोल रहे थे मम्मा सिंगल वाले, मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे बस का नहीं है बिल्कुल भी, इस गर्मी में मैं नहीं खड़ी हो सकती। और यहाँ पर देखिए, ऐसे दो लोइयाँ मैंने मिलाकर बेल ली हैं। अब मैं इसको बेल के दिखाना आपको भूल गई दोस्तों, फिर किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। और ये दो पराठे एक साथ सिकते हैं तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। जब ज़्यादा लोग हों ना, तब आप ये कर सकते हैं कि दोस्ती वाले पराठे बनाएं। ये सॉफ्ट भी बहुत होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। स्वाद तो पराठों वाला ही होता है, तो अच्छा लगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया था, अजवाइन और नमक, तो इस तरीके से है। गुड मॉर्निंग, अभी 5:30 बज रहे हैं सुबह के। आज मेरी नींद खुल गई है जल्दी, तो मैं आपको दिखाऊं सुबह का सूर्योदय। ये देखिए सूरज निकलते हुए, कितना खूबसूरत लग रहा है। निकलते हुए क्या, निकल लिया है पूरा। हे, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और देखिए, मैं आपसे सुबह मिली थी 5:30 और अभी मिल रही हूँ। टाइम क्या है? 10 बज रहे हैं, तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। सुबह भी दिखाया था, अभी फिर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कि हमारी बालकनी से पूरा नज़ारा है। इधर देखिए, ये सुबह आपको मैंने सूरज दिखाया था और ये अभी रात में चांद दिखा रही हूँ। ये देखिए झिलमिल हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये देखिए बिल्कुल चंद्राकार आकार है आज चांद का। बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और यहाँ से देखिए पूरा शहर बिल्कुल जगमगा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और अभी मध्यम मध्यम हवा चल रही है, शाम से नहीं चल रही थी। हम लोग अभी आए हैं ऊपर छत पर से पौधों को पानी देकर। आप देखिए यहाँ पे जगमग दिवाली सी जग रही है, जल रही है। ये देखिए अभी बिजली सी चमकी। ओह माय गॉड, आंधी सा माहौल बन रहा है दोस्तों, बिल्कुल आंधी सा धुंध हो रहा है अब। कैसे हैं दोस्तों, मैं आपसे सुबह से पूछ रही हूँ लेकिन मैंने अपना रूटीन नहीं शेयर किया आज आप लोगों के साथ। आज पता नहीं क्यों बाय चांस हे सबको हेलो बोलो। हेलो, अब जाओ, बाय बाय बाय। ओके, तो दोस्तों मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया आपसे सुबह से, क्योंकि आज पता नहीं क्यों बाई चांस मेरी आँख खुल गई यार सुबह 5:30। और मैं इतनी जल्दी उठने वाली हूँ नहीं, मैं बहुत आराम से उठती हूँ। तो आजकल तो बड़े बेटे की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, उसके बाद उसको नाश्ता देती हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है यार एडिटिंग वगैरह में। फिर ये सारे काम निपटाने होते हैं ना, कितने
किचन आपको पूरा क्लीन करके, मुझे सुबह में किचन में बिल्कुल एकदम से आके किचन में नहीं लग सकती। मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्यों है आई डोंट नो, बट पता नहीं, मुझे लगता है घबराहट होती है किचन में अगर अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना पड़े तो। हालांकि कभी कभी जाना पड़ता है तो ठीक है, करना तो पड़ता है, लेकिन ना एकदम से सुबह उठ करके मुझसे नहीं होते काम। तो मैं जो है रात में सारे बर्तन क्लीन करती हूँ, पूरा किचन क्लीन करती हूँ, और उसके बाद फिर अपना एडिटिंग का काम करती हूँ, देन फिर मैं सोने जाती हूँ। तो उसमें अच्छा खासा टाइम हो जाता है दोस्तों। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जगना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी आप उठो, उठने के बाद एकदम से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे हस्बैंड अक्सर करके बोलेंगे कि मॉर्निंग में उठ के कर लेना एडिटिंग, अब भी सो जाओ। तो मुझे लगता है नहीं, अब भी मैं इसको निपटा लूँ ताकि सुबह अपना वीडियो मैं अपलोड कर सकूं। देखिए थोड़ी सी खराश हो रही है गले में, क्योंकि आजकल लगातार लस्सी और छाछ और मैंगो शेक और बनाना शेक ऑल दैट ये सब चल रहा है, और मुझे गले में फिर प्रॉब्लम होने लग रही है। तो बहुत डांट पड़ी है मुझे घर में कि एलर्जी है तुम्हें और दिक्कत हो जाएगी, फिर इस समय डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, कंट्रोल कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि ना लूँ, और लूँ भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में या नॉर्मल पानी मिलाकर। तो ऐसे चल रहा है दोस्तों। आज मैंने कुछ भी आपसे शेयर नहीं किया, क्योंकि हाँ मैं बता के आ रही थी, देखिए बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, और उसके बाद ना घर में कोई और जगह ही नहीं था। अब 5:30 बजे उठ के, इतनी अच्छी धूप थी, इतना बढ़िया सुबह हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आलस से मुझे लगा रहा सबको सोते हुए देख के। मैंने कुछ भी ऐसा कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया कि हाँ लगे कि आज सुबह उठे तो ये काम हो गया, चलो नहीं, बस मैं आलस में बैठी रही कि मेरी नींद क्यों खुल गई, मेरी नींद क्यों खुल गई ऑल। तो फिर दोपहर में ना मैंने कढ़ी चावल और रोटी बनाई थी। ऑलरेडी कढ़ी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया फिर दोपहर में। और दोपहर के लंच के बाद मैंने सारे बर्तन वैसे के वैसे छोड़े और बिस्तर पकड़ा और सो गई। मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, बिल्कुल बेहोशी वाली नींद थी, है ना। बच्चे बार बार उठा रहे हैं, हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि उठ जाओ, अब भी सो जाओगे तो रात में दिक्कत होगी, नहीं सो पाओगी। लेकिन यार आंखें बिल्कुल खुली नहीं रही थी, उसी में कुछ डरावना सा सपना भी देख रही थी मैं। तो उठने के बाद मुझे पता चला कि मैं सपने में चिल्ला भी रही थी, लेकिन जो है सबका जगाने का प्रयास निरर्थक हो गया मेरे साथ, और मैं सोती रह गई। तो फाइनली जब नींद पूरी हुई तब मैं उठी हूँ, और उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, फिर हम छत पे चले गए थे। इतना गर्म था यार, इतना गर्म था आज, मुझे लग रहा है दिन में ना 47-48 डिग्री ऐसा कुछ था टेम्परेचर। नाउ अब भी 43 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यह है कि ठंडी हवा चल रही है तो ठीक लग रहा है। मैं किचन में भी आपको ईमानदारी से बताऊं तो अभी आई हूँ, शाम को चाय पतिदेव ने पिला दी थी। तो उसके बाद हम लोग छत पे गए थे, सारे पौधों में पानी दिया, गमलों में पानी दिया, और फिर अभी आए तो कुछ सब्जियां आई हुई थी सुबह, क्योंकि हस्बैंड को जाना था डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल इनका अपॉइंटमेंट था, क्योंकि मैं इनको दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, और वो जैसे पानी वगैरह लगता नहीं है उस टाइप का प्रॉब्लम था, तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते थे, आप अपने मन से कुछ दवा भी नहीं ले सकते। तो 2-3 दिन से इनको दिक्कत हो रही थी, तो फाइनली डॉक्टर से इन्होंने अपॉइंटमेंट ली और जाकर दिखाए। हम लोग बहुत ही परेशान थे कि यार इस टाइम में डॉक्टर के पास जाना मतलब, लेकिन डॉक्टर्स भी पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं, और हॉस्पिटल में भी बिल्कुल भीड़ भीड़ नहीं थी, बता रहे थे कि डॉक्टर खुद से अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और एक एक 1.5-1.5 घंटे बाद का दे रहे हैं, और डॉक्टर्स भी अल्टरनेट डे करके बैठ रहे हैं। तो हर कोई प्रिकॉशन ले रहा है, लेना चाहिए भी इस समय। तो फिर आते हुए हॉस्पिटल से इन्होंने कुछ सब्जियां वगैरह ले ली थी, वो अभी धुल के लगाई है मैंने। अभी मेरे दोपहर के खाने वाले बर्तन सारे पड़े हुए हैं, वो धुलूंगी। अभी मेरी आलू भी बॉईल हो रही है, और उसके बाद मैं बैगन बॉईल करूंगी। तो आज हमारे बनने वाला है चोखा और रोटी। तो रोटी बनेगी प्लेन, बाटी नहीं बनाना है मुझे इस गर्मी में, और
चोखा बनेगा, चोखा हमारे यहाँ सबको पसंद है, बस छोटे बेटे को छोड़ के। तो देखते हैं वो नहीं खाएंगे तो उनका कुछ और इंतजाम होगा। तो इस तरीके से है, कुछ भी शूट नहीं किया था दोस्तों, ना अभी मन है शूट करने का। बस ये था कि आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। और आपको मैंने आज सुबह की भोर दिखाई, जैसे सूरज तो उग चुका था पूरा, लेकिन मैंने कहा यार मैं उठी हूँ तो मैं कैप्चर कर लूँ इस चीज़ को। और अभी मैंने आपको चांद दिखाया 10 बजे। तो अभी मेरी आलू बॉयल हो रही है, बैगन बॉयल होने वाला है, रख दिया है मैंने, और सारे मसाले काट लिए गए हैं, धनिया मिर्च टमाटर लहसुन अदरक है ना, और मैं आटा लगा रही हूँ और फटाफट रोटी सेकेंगे। तो टारगेट है कि 11 बजे तक तो खाना खा लिया जाए, इसलिए ना हमारा सुबह का मॉर्निंग का ना नाश्ता लेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि आज डॉक्टर के यहाँ जाना था, पतिदेव ने छुट्टी ली हुई थी, कल तो इनको मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, तो सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। जल्दी मतलब 8:30-9 तक, उसके बाद मैं फटाफट उनका खाना तैयार करती हूँ, उनके घर से निकलने के बाद फिर और सारा साफ सफाई का काम होता है, फिर नहाती हूँ, ऐसा कर लेती दोस्तों। हमारे यहाँ भी मान्यता है कि घर से कोई भी घर से बाहर निकले उसके पहले झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि पतिदेव निकलते हैं उसके पहले मैं मंदिर वाले रूम में और किचन में दो जगह झाड़ू पोछा ज़रूर कर लेती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनके निकलने से पहले पूरे घर में कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाता इनकेस, तो मैं ये दो जगह बहुत पर्टिकुलर हूँ, कर लेती हूँ यहाँ दो जगह झाड़ू पोछा, उसके बाद ही जो है खाना सर्व करती हूँ उनका। और नहाने का ऐसा है, कभी मॉर्निंग में नहा लिया, जल्दी नहा लिया, पता लगा सारे काम छोड़ के पहले नहा ही लिया, पूजा कर ली, उसके बाद फिर काम शुरू हुए, फिर दोपहर में नहाना होता है, इस तरह से होता है। नहाने का तो कभी 2-3 बार ऐसे चल रहा है, लेकिन झाड़ू पोछे का मैं पूरा कोशिश करती हूँ दोस्तों। लेकिन ना लेट उठने की वजह से और फिर वो नहा करके और पूजा करने बैठ जाते हैं, तो फिर मेरा ये रहता है कि उनके पूजा करने के पहले पूजा रूम और किचन दो जगह तो झाड़ू पोछा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद टाइम बचता है तो मैं पूरे घर में कर लेती हूँ। और अगर खाने में एक आध चीज़ें कभी कभी स्किप कर देती हूँ जल्दी की वजह से, वरना कोशिश यही रहती है कि मॉर्निंग में तो दाल चावल रोटी सब्जी पूरा बनना है। तो अभी कुछ दिनों से तो यही चल रहा है, देखते हैं कब हालात सुधरते हैं। और आप लोग, मैं अभी इसमें कुछ शूट करने वाली नहीं हूँ, ये वीडियो आपके पास एज इट इज़ जाएगा। दोस्तों बताइएगा आपको नज़ारा कैसा लगा, क्योंकि आज की वीडियो में तो और कुछ है नहीं, केवल सुबह का नज़ारा है और शाम का। देखिए हवा चल रही है उसके बावजूद पसीना टपक रहा है। और ये वाली कुर्ती यार मैं आपको दिखाना चाह रही थी, वेट अ मिनट, ये देखिए ये मेरी कुर्ती है, ये शीन की है, बहुत ही अच्छी लगती, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन जैसा, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, कंफर्टेबल है। और ये देखिए यहाँ पे स्लीव्स पे भी पूरे डिज़ाइंस बनी हुई हैं, तो और ये नेवी ब्लू कलर में है, ब्लैक थी और नेवी ब्लू, मुझे नेवी ब्लू अच्छा लगा तो मैंने इसको परचेज कर लिया। और इसकी स्लीव्स देखिए कुछ इस टाइप की हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये अभी नहीं, मैंने शीन हॉल जब किया था आपके साथ तो ये ना मेरे कपड़ों में कहीं दब गई थी कुर्ती, क्योंकि मैं इसको पहन चुकी थी, निकाला था मैंने जस्ट तुरंत ही और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये शीन हॉल में मैं आपको शेयर नहीं कर पाई, वो अभी शेयर कर रही हूँ। आज पहना है, तब से लॉकडाउन के बहुत पहले पहना था, तब से फिर आज पहना है। तो बताइएगा आप, आपको मेरी कुर्ती कैसी लगी और हमारे यहाँ का गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट कैसा लगा। ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों, अपना साथ देते रहिएगा, बातें करने में जो मज़ा आता है ना वो और किसी काम में आता नहीं है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत बोलती हूँ, बोलना मुझे मिल जाए, अभी आप लोग सामने से मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहे ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ। तो अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरा वीडियो। और अभी तो खाना ही नहीं बनाई। हाँ तो बन रहा है ना, ये क्यों बोल रही हूँ।
और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ में छोटू सा बेल आइकन आता है उसको टंग दबाना है, और फिर वो आपको नोटिफिकेशन देगा मेरी आने वाली वीडियोस की। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ दोस्तों, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।